हेलो स्टूडेंट, टुडे डिस्कस अबाउट मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर एसेट्रा टॉपिक्स हैं। तो फर्स्टली अपन बात करें मास। तो व्हाट इज मास? मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। यानी कि मीन क्या होगा इसका, कि जो मैटर्स है, मैटर्स में जो सब्सटेंस के पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड मास। अब मास के नेक्स्ट इस पर प्रॉपर्टीज की बात करें तो मास ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉन्स्टेंट वन प्लेस टू अनोदर। मीन कि जो सब्सटेंस होता है उसका जो मास होता है, इस मास में क्या होगा कि इसकी वैल्यू अपन किसी भी प्लेनेट पर कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट यानी कि नो चेंज, फिक्स रहेगी। नेक्स्ट इस पर बात आती है, द मास ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड वेरी एक्यूरेटली इन द लेबोरेटरी बाई यूजिंग एन एनालिटिक बैलेंस। तो मास का जो मास है उसका डिटरमाइन करें तो ये क्या है कि लेबोरेटरी में वेरी एक्यूरेटली कैलकुलेट पॉसिबल है। और इसकी यूनिट की बात करें, SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। और क्या है कि लेबोरेटरी में अपन स्मॉल यूनिट का यूज करते हैं तो अपने ग्राम्स का कर सकते हैं। तो ग्राम्स का करते हैं तो 1 kg इक्वल टू 100 grams होते हैं, क्योंकि लैब में जो अपने सब्सटेंस यूज करेंगे उस सब्सटेंस की वेरी स्मॉल क्वांटिटी होती है अपने पास। तो इसलिए क्या है कि लेबोरेटरी में अपन जो यूज करते हैं वो ग्राम्स का यूज करते हैं यूनिट में। नेक्स्ट बात आती है वेट। वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। यानी कि वेट जो होता है उस पर क्या है कि जो फोर्स एक्सटेक्ट बाई ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, इस फोर्स का जो कोई भी सब्सटेंस है उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वही उसका क्या है, वेट है। नेक्स्ट अपन बात करें तो इट मे वेरी फॉर फॉर्म वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। यानी कि ये जो वैल्यू होती है ये कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट क्यों नहीं है, कि जैसे क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होगा, यानी कि अपने अदर प्लेस पर इसको ले जाएं, जैसे अपने अर्थ पर है और मून, इन दो की बात की जाए तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, 9.8 newton पर मीटर स्क्वायर होता है। और इसी तरह से अगर मून की बात की जाए तो लगभग इसका 1.6 होता है। यानी कि अगर यहाँ पर जो वेट हो, अर्थ पर जो वेट होगा वो वेट क्या है कि मून पर 1.6 मल्टीप्लायर सॉर्ट हो जाएगा। अपने 9th class में ये पढ़ा भी है कि कोई भी जो लिविंग बींग्स होता है वो अर्थ के कंपेयर मून पर ज़्यादा हाई जंप कर सकता है। तो वो उसका इफेक्ट क्या होता है, मतलब उसका रीज़न क्या है, कि वो रीजन मून का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है कि अर्थ के कंपेयर काफ़ी कम होता है, लो होता है। नेक्स्ट बात करें वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात करें, द एरिया विच इज ऑक्यूपाइड बाई मैटर इज कॉल्ड वॉल्यूम। द एरिया विच इज ऑक्यूपाइड बाई मैटर, यानी कि कोई भी जो मैटर होता है अगर उनको अपने किसी भी प्लेस पर स्टे करते हैं तो स्टे करने पर क्या होगा कि वो कुछ एरिया कवर करेगा। तो एरिया कवर करता है तो जो एरिया कवर हो रहा है वो एरिया ही क्या रहेगा, इसका वॉल्यूम रहेगा। वॉल्यूम की SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट इज सेंटीमीटर क्यूब या क्या है, डेसीमीटर क्यूब होता है। और 1000 centimeter cube इक्वल टू 1 decimeter cube होता है।
इन द लेबोरेटरी वैल्यू ऑफ लिक्विड मेजर्ड मेजर्ड बाई सिलेंडर, ये मेजरिंग सिलेंडर अपने लेबोरेटरी में यूज होता है कि जब अपनी क्लासेज लगेंगी तब उस टाइम आपको दिखाएंगे, ब्यूरेट पीपेट ये सब क्या है, लेबोरेटरी हैं, लेबोरेटरी में यूज होते हैं अपने में, लैब में यूज होंगे। तो ये सभी जो मैटर्स हैं ये अपने पास अवेलेबल हैं, अपने लैब में दिखाएंगे आप लोगों को। और इसके अलावा इसमें बीकर्स होता है, बीकर्स अपने 50 ml से लेकर के लगभग 500 ml तक के यूज होते हैं। तो ये भी क्या है कि इनके द्वारा भी इनका क्या हो सकता है, मेजरमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंट इज इट अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि जो सब्सटेंस है उसका जो अमाउंट्स है, अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गई, डेंसिटी होगी। और डेंसिटी पर अपन बात करें इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या अपन इसको किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में अपन लिख सकते हैं। सेंटीमीटर क्यूब में क्या है कि लेबोरेटरी में अपन क्या है कि इसको स्मॉल यूनिट यूज करते हैं, तो इसके लिए अपन ग्राम पर सेंटीमीटर यूज करते हैं। अब डेंसिटी का जो यूनिट आती है वो यूनिट कैसे आती है कि यहाँ पर जो कंपेयर होती है वो यूनिट ऑफ मास और यूनिट ऑफ वैल्यूम। तो अपने को पता है कि लास्ट अपन ये स्टडी कर चुके हैं कि जो मास होता है, इस मास की यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, जबकि अपन दूसरी बात करें तो वॉल्यूम, वॉल्यूम का अभी अपन ने जस्ट बताया ही है कि वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब होती है। तो अब इसकी एसआई यूनिट निकालें तो एसआई यूनिट कैसे निकलेगी, द यूनिट ऑफ मास अपॉन यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो मास की यूनिट किलोग्राम और अपॉन क्या जाएगा, यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की यूनिट क्या है, मीटर क्यूब है। तो इसको अपन लिख देंगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या इसको पर का ये सिंबल नहीं लगाएं, वर्ड्स लिखें, तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर इनवर्सली क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है कि टेम्परेचर के लिए अपने थर्मामीटर्स का यूज करते हैं। तो थर्मामीटर्स क्या है कि अपन ये 3 कॉमन स्केल्स होते हैं जो इसके मेजरमेंट के आते हैं। तो इसमें एक होता है अपना डिग्री सेंटीग्रेड में, सेकंड होता है केल्विन में, और थर्ड होता है फोरनाइट में। जैसे अपने पता है कि जो डॉक्टर्स यूज करते हैं वो ज़्यादातर डिग्री सेल्सियस और फोरनाइट में यूज करते हैं, लेकिन अपने लेबोरेटरी में जो यूज होता है वो केल्विन स्केल यूज होगा। अब इसमें जैसे डिग्री सेंटीग्रेड वाला डॉक्टर जो यूज करता है, इसमें 35 to 42 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज होती है। ऐसे फोरनाइट की बात करें तो फोरनाइट में भी क्या है कि ये लगभग 95 डिग्री फोरनाइट से और 120 डिग्री फोरनाइट तक की इस पर रेंज होती है। तो नेक्स्ट अपन बात करें इस पर कि जो ये स्केल हैं, ये सभी जो स्केल्स हैं, ये स्केल्स क्या होते हैं कि रिलेटेड होते हैं ईच अदर टू ईच अदर। अब इनमें रिलेशनशिप किस तरह से हैं, तो रिलेशनशिप की बात करें तो अगर अपने को डिग्री सेंटीग्रेड में कोई वैल्यू है, जैसे अपने ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर क्या होता है कि लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अब क्या है कि इसको फोरनाइट में कन्वर्ट करना है, इट चेंज इन फोरनाइट। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, 9/5, फिर जो डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है
वो और प्लस 32। अब देखो ये इसको सोल्व करते हैं अपन, तो सोल्व करेंगे तो इस फॉर्मूले से अपने इसको सोल्व करेंगे तो 9/5 इंटू 37 अपन ह्यूमन बॉडी से ले रहे हैं प्लस 32। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि अपन ने मैथ में पढ़ा होगा बोर्ड मास लो, BODMAS, बोर्ड मास लो के अकॉर्डिंग होगा। बोर्ड मास लो के अकॉर्डिंग क्या है कि पहले ब्रैकेट सोल्व होते हैं, फर्स्ट सेकेंड क्या होता है थर्ड मल्टीप्लाई, फोर्थ एडिशन और फिफ्थ क्या है सबट्रैक्ट, सॉरी इसमें डी रह गया, बोर्ड मास BODMAS, यानी कि ये डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन और फिर सबट्रैक्ट। इनका क्या है कि इस सिस्टम से अपन सोल्व करते हैं तो फर्स्टली अपन क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई सोल्व होगा, तो मल्टीप्लाई में इसको अपन क्रॉस करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.8। तो अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1.8 इंटू 37 प्लस 32, तो इसको सोल्व करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 6.6 प्लस 32 इक्वल टू क्या आ जाएगा 98.649 डिग्री फोरनहाइट आ जाएगा। तो ये क्या है कि इस तरह से जो स्केल्स होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। सेकंड अगर अपन केल्विन स्केल की बात करें तो केल्विन स्केल लैब में अपने लेबोरेटरी में यूज होता है, लैब में यूज होता है, तो इस पर अगर अपन बात करें तो इसमें भी क्या है कि डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन ये क्या है कि एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। केल्विन में क्या होता है 273.15 डिग्री केल्विन, जो टेम्परेचर होता है वो इक्वल क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसमें क्या है कि इस इनसे अपने इनमें चेंजिंग कर सकते हैं, यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं और कन्वर्ट को केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में। अब अपन सपोज कर लेते हैं कि अपने पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो केल्विन में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि जो डिग्री सेंटीग्रेड अपने को दिया हुआ है प्लस उसमें 237.15 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 283.15 केल्विन टेम्परेचर, यानी कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो इक्वलेंट किसके है 283.15 केल्विन के इक्विलेंट है। इसी तरह से अगर इसको क्या है कि केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना है तो इसमें से इनवर्स क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 273.15, ये इसमें से लेस करके अपन बता देंगे। तो इस तरह से क्या है कि जो स्केल्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है, ये मैंने एक एग्जाम्पल से सोल्व करके आपको बता रखा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन ने ये बता दिया है, इसमें डिग्री सेंटीग्रेड से भी कन्वर्ट कर दिया है और साथ में केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में, तो टेम्परेचर बिलो डिग्री 0 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज नेगेटिव वैल्यूज आर पॉसिबल इन सेल्सियस स्केल, यानी कि सेल्सियस स्केल में क्या होगा कि जो डिग्री सेंटीग्रेड है वो इनवर्स में यानी कि नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। जैसे अपने काफ़ी न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते हैं कि जो अपने लेह है, लद्दाख है, सियाचिन है, इन एरिया में क्या है कि टेम्परेचर सर जो विंटर का वेदर होता है उस टाइम क्या है कि इनवर्स में चला जाता है, तो अपन न्यूज़ में पढ़ते हैं कि वहाँ -5 -10 ऐसे डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, यानी कि इनकी जो वैल्यू होती है डिग्री सेंटीग्रेड में वो बिलो 0 डिग्री भी हो सकती है। बट जो कैल्विन टेम्परेचर होता है, कैल्विन टेम्परेचर क्या है कि इनवर्सली वैल्यू नहीं होती है, ठीक है ना। तो कैल्विन स्केल
नेगेटिव टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट डे पढ़ते हैं। ओके, थैंक्स।